हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की शयन टॉरपीडो के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। शयन टॉरपीडो इंडिया की फर्स्ट एडवांस लाइटवेट एंटी सबमरीन टॉरपीडो है, जिसे डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने डेवलप किया है, जिसे इंडियन नेवी और म्यांमार नेवी यूज़ करती है। इस एडवांस टॉरपीडो को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और लॉर्सन एंड टूर्बो मैन्युफैक्चर करती है। अब तक इस टॉरपीडो के 25 यूनिट बनाए गए हैं। शयन टॉरपीडो को एडवांस एक्सपेरिमेंटल टॉरपीडो प्रोग्राम के तहत 1990 के दशक में नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये एक एडवांस कैपेबिलिटी वाली टॉरपीडो है, जो वाइट हेड A2443 टॉरपीडो पर बेस्ड है। आपको बता दें, ये A2443 टॉरपीडो एक इटालियन टॉरपीडो है, जिसे इंडियन नेवी यूज़ करती है। इंडियन नेवी इस इटालियन A2443 टॉरपीडो के 450 यूनिट का यूज़ कर रही है। नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी को इस शयन टॉरपीडो को डेवलप करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इंडियन नेवी ऐसी टॉरपीडो चाहती थी जिसे शिप, सबमरीन और हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सके। 1998 तक शयन टॉरपीडो ट्रायल्स के लिए बिल्कुल रेडी थी, और 1998 से लेकर 2000 तक इस टॉरपीडो का नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 24 बार ट्रायल किया। 2003 से 2005 के सभी ट्रायल्स के बाद इंडियन नेवी ने टॉरपीडो की कैपेबिलिटीज़ को मान लिया और 25 यूनिट का ऑर्डर दिया और न्यू ऑर्डर देने की संभावना जताई। इस शयन टॉरपीडो को बनाने में 95% इंडियन मटेरियल का यूज़ किया गया है, बस कुछ सर्किट और सेंसर्स को बाहर से इंपोर्ट किया गया है। 3 मार्च 2012 से इंडियन नेवी ने इस टॉरपीडो को अपनी नेवी में इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मार्च 2017 में इंडिया ने म्यांमार नेवी से इस शयन टॉरपीडो के लिए $37.9 मिलियन की एक डील साइन की थी। अगर बात करें इस टॉरपीडो की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इस टॉरपीडो का वेट 220 kg है, लेंथ 2705 मिलीमीटर है और डायामीटर 324 मिलीमीटर है। ये अपने साथ 50 kg का हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड कैरी कर सकती है। इस टॉरपीडो में इलेक्ट्रिक इंजन का यूज़ किया गया है। टॉरपीडो की ऑपरेशनल रेंज 7 किलोमीटर है और ये टॉरपीडो मैक्सिमम 540 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसकी स्पीड 61 किलोमीटर प्रति घंटा है और टॉरपीडो में पैसिव एक्टिव एकॉस्टिक होमिंग गाइडेंस सिस्टम का यूज़ होता है। इस टॉरपीडो को शिप, हेलीकॉप्टर और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है, जो इस टॉरपीडो को काफ़ी एडवांस बना देता है।